everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करिएगा, 916 रेशियो का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को ऐड करना है, जो भी फ़ोटो का बनाना चाहते हैं उस फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम ऐड करते हैं। फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करने के बाद इसके ड्यूरेशन को इस तरह से बढ़ा लीजिएगा 25 सेकेंड तक, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी फ़ोटो पर सिलेक्ट करके आपको इसके कलर को एडजस्टमेंट करना है। कुछ इस तरह से कलर एडजस्टमेंट हो जाइए, इसको बढ़ाइएगा, ठीक है, अपने हिसाब से दोस्तों आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है, जो कि मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो चलिए उस मीडिया पर क्लिक करके उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करते हैं। वीडियो को लाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक चले जाइएगा और आपको यहाँ से नीचे जाना है और आपको यहाँ से एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से इसे इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर की कलर जो देखने को मिल रहा है इसे दोस्तों ग्रीन ही रहने देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस टेम्पलेट में हमने पहले से सॉन्ग ऐड करके रखा है, ठीक है, अगर आप लोगों को चेंज करना है तो पहले इस पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा या फिर इसे ज़ीरो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब जो भी सॉन्ग इसमें लगाना है आपको ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से जो भी सॉन्ग आपको लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक करिएगा, ठीक है, और राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सॉन्ग इस वीडियो में लग जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जब आपका फोटो फुल फ्रेम में आ जा रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है फोटो पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ कैंची पर क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट टू प्लेहेड करना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करना है, आपको इस बिंदु पर क्लिक करके यहाँ से एक ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ से ब्लेड वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको ये डाउनलोड करना है, गेट मोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ब्लेड वाला लगा लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। इसके टाइमिंग को कुछ इस तरह से बढ़ाकर, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, उसी तरह से इसमें 2-3 पार्ट कर देना है, ठीक है, और इस बिंदु पर क्लिक करके आपको ट्रांजेक्शन को ऐड करते रहना है, ठीक है। जो भी आप ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हैं उसमें लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसे सेव करने के लिए यहाँ शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने साइज़ को सिलेक्ट करके यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है।